सैंड बना है, लेकिन उसको जमाने के बाद थोड़ा सा सूखने के बाद ये इरेजर बन जाता है और फिर इसे मिटने में आसानी होती है। मैं इसे इस डब्बे में भर रहा था, उससे पहले रेसिपी दिखा देता हूँ। सबसे पहले जरूरी होता है पानी, तो मैं इस कटोरे से एक बहुत सारा पानी लेता हूँ। फिर मुझे मुझे इस कटोरे को खाली करनी होगी। कहाँ करूँ, एक काम करता हूँ, यही कर देता हूँ। ये तो थोड़ा लटपट बना है, इसमें सूखा सैंड बनाऊंगा। इतना सैंड लगाओगे तो चलेगा ना। और फिर मैं इसको भी निकालूंगा अपने आइसक्रीम स्टिक से। आइसक्रीम स्टिक हमको दीजिए ना, कैमरा हम जहाँ से वहाँ घुमा सकते हैं। देखो सबसे पहले एक कटोरे में एक मैजिक सोल्ट सैंड पाउडर डाले, मैजिक तो इतना कलर वाला इसको देखता हूँ। इसको रखो, आधा इसमें डालो, थोड़ा ज्यादा हो गया था, कभी कभी इतना डालना है। अगर हम लोग के पास ये नहीं हो तो आइसक्रीम स्टिक से भी डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। इसके पानी कम करो, इसमें खोलो, कलर खोलो, इसमें पहले कलर खोलो, पानी डालो तो कौन खोलो थोड़ा और दिख नहीं रहा है, थोड़ा मैजिक थोड़ा कम था। तो बहुत सूखा बना है और इसे भी मैं स्पॉट में भर दूंगा। इस मुलायम सैंड को थोड़ा जरा बहुत ज्यादा सूखा है, थोड़ा मुलायम बनाना होगा इसे। यहाँ डाल दो, रख दूँ, फोन कर दूँ। अरे मैं दिखाता हूँ ना, देख मैं आधा व्हाइट भरा आधा ग्रीन भरने जा रहा हूँ उसमें। और ये रेसिपी है कि इसको इसमें नहीं डालना है, थोड़ा सैंड सोल्ट सैंड को पानी में डालेंगे, ये पूरा पानी बन जाएगा रहेगा, फिर उसको फिर से घोलना पड़ेगा तभी बनेगा सोल्ट सैंड। और अब इसको कपड़ा में हटा के अब इसको ये रेसिपी आप भी ट्राई करना। और ये मैं इस बॉक्स से खरीदा हूँ, देखो इस बॉक्स से, ये वाला मुझे भी थोड़ा सा बनाना है। तो अब ये स्टोरी खत्म होती है और अब मैं कल मिलूंगा आपको। तो देखिए इसको देखिए क्या बनके तैयार हुआ है मेरे मैजिक सोल सैंड से। देखिए ये कलर और ये सब बहुत अद्भुत कलर है। और इसमें तुमने इसकी भी मदद ली है? उसमें मैंने इसकी भी मदद ली है। और ये कौन सा है? मैजिक स्नो। ये मैजिक स्नो है, ये मैजिक सोल सैंड है। पर ये जब ये बहुत अच्छी तरह से सूखता है तब ये एक इरेजर में बदलता है। यहाँ अगर ये बहुत गीला रहा और कभी नहीं सूखा तो ये नहीं बनेगा कभी भी इरेजर।